नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग अपडेट बाय सीएचओ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एनसीडी पोर्टल पर सीबैक फॉर्म की एंट्री कैसे की जाती है और सीबैक फॉर्म की एंट्री करने के बाद उसकी स्क्रीनिंग कैसे की जाती है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपन अपने गूगल क्रोम में जाएंगे। गूगल क्रोम में सर्च बार में जाकर सिंपली अपने को सर्च करना है एनसीडी सर्च करते ही नेशनल एनसीडी प्रोग्राम इस पर क्लिक करना है। फर्स्टली करते ही अपने को एक ऐसा पोर्टल दिखाई देगा जिसमें यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। यूजर नेम अपना डालो और पासवर्ड। अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद मैं जैसे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ। इसके बाद में कैप्चा फिल करना होता है अपने को। कैप्चा फिल करते ही अपना अकाउंट ओपन हो जाएगा, अपना पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। और आगे की प्रोसेस में आपको बताता हूँ। जैसे ही पोर्टल ओपन हो जाता है होम पेज खुलेगा। होम पेज पर एक सर्च बार का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, जहाँ पर अपन उसका पेशेंट का नाम एंटर करके या उसका फ़ोन नंबर एंटर करके उसके उसके एंट्री अपन कर सकते हैं। तो इसके बाद में एक डैशबोर्ड का ऑप्शन आता है अपने पास। डैशबोर्ड पर अपने को पूरा डाटा शो करेगा कि कितने पेशेंट एनरोल्ड हो चुके हैं, कितने की स्क्रीनिंग हो चुकी है, कितनों को स्क्रीनिंग के लिए रेफ़र किया जा चुका है, और कितने अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं, और फॉलो अप ड्यू डेट किस किस की बाकी, कितनों की बाकी है, और कंट्रोल कितनों पे किया जा चुका है। इसके बाद में एक लिस्ट नीचे सब सेंटर वाइज लिस्ट भी दिखेगी। इसमें अपन सब सेंटर वाइज देख सकते हैं कि कौन कौन से सब सेंटर पर कितने फॉर्म अब तक फिल किए जा चुके हैं और कितनों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। तो इसके बाद वापस अपन होम पे आते हैं और अपन एक फॉर्म, मैं आपको एक सीबैक फॉर्म भर के बताऊँगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। जैसे मैं एक फॉर्म भर रहा हूँ रुकमणी का, तो सिंपली मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। अब रुकमणी यहाँ पर बहुत सारी दिखाई देगी, लेकिन अपने को अपने सब सेंटर पे जाना है। अपने सब सेंटर पे जाने से मेरा सब सेंटर है गड़ी छानी का, तो मैं इस पर जाके सिंपली क्लिक कर दूँगा। तो अपने पास ये इंटरफेस आएगी जिसके अंदर उसकी पूरी पेशेंट की समरी आ जाएगी, ठीक है। नीचे उसका असेसमेंट करना है जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है नाम, पेशेंट का नाम रुकमणी, ठीक है, 32 साल की उम्र है, फीमेल है। ये सिंपलीफाई, ये थ्री डॉट इस पर क्लिक करना है। इसको अपने को फैमिली मेंबर, अगर कोई फैमिली मेंबर ऐड करना है तो यहाँ से अपन फैमिली मेंबर ऐड कर सकते हैं। सीबैक फॉर्म, यहाँ से अपन सीबैक फॉर्म भर सकते हैं। और थर्ड स्टेप रही अपनी स्क्रीनिंग, तो यहाँ पर जाके अपन स्क्रीनिंग कर सकते हैं और नीचे अपन लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो अपन सबसे पहले अपन सीबैक फॉर्म भरते हैं। सीबैक फॉर्म पर क्लिक करेंगे, अभी ये पूछेगा कि सेलेक्ट सीबैक फॉर्म टाइप, न्यू सीबैक है या ओल्ड सीबैक है। तो अगर ओल्ड भर रहे हो आप तो ओल्ड पे क्लिक कर लेना, और न्यू भर रहे हो तो न्यू पे क्लिक करना। तो मैं आपको न्यू फॉर्म भर के बताऊँगा, तो अपन न्यू पे क्लिक कर लेते हैं। न्यू पे क्लिक करते ही अपने बहुत सारे डाटा ये पूछेगा जो फिल करने हैं। तो सबसे पहले ऑल फील्ड ऑन दिस पेज इज मैंडेटरी, ठीक है। तो कुछ मैंडेटरी डाटा है फिल करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे डेट चूज कर लेनी है। डेट चूज करते हैं, तो अपन नया फॉर्म भर रहे हैं तो अपन आज की ही डेट यहाँ पे चूज कर लेते हैं। तो मैंने 25/10/2022 की डेट चूज कर ली है। फिर डज दिस पर्सन हैव एनी द फॉलोइंग, इस पर अपन सेलेक्ट करेंगे। अगर विजिबल डिफेक्ट है उसको तो इस पर क्लिक करेंगे। नॉन डिसेबिलिटी है तो इस पर क्लिक करेंगे। बेड रिडन पेशेंट है तो इस पर क्लिक करेंगे। रिक्वायर्ड सपोर्ट फॉर एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, भी डेली लिविंग की जो एक्टिविटी करने के लिए उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है तो इस पर क्लिक करेंगे। और नन ऑफ अबो है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो मेरा पेशेंट इनमें से कुछ नहीं है तो मैं नन ऑफ अबो पर क्लिक कर दूँगा। जैसे फिर पार्ट ए है, पार्ट ए में अपने को रिस्क असेसमेंट है उसका असेसमेंट करना है। कि तो सबसे पहले उसकी एज पूछी जाएगी जो ऑलरेडी फॉरम में भरी हुई है। तो डू यू स्मोक, क्या स्मोक और एल्कोहल ले रहा है आपका पेशेंट। अगर ले रहा है तो उसमें डेली ले रहा है तो डेली पे क्लिक करेंगे। कंज्यूम पास्ट समटाइम, पहले लेता था तो इस पर, या कभी कभी ले लेता है तो दूसरे पे, और कभी नहीं लेता नहीं, और मेरा पेशेंट है वो कभी नहीं लेता। डू यू एल्कोहल डेली, या आपका पेशेंट एल्कोहल डेली यूज करता है। अगर करता है तो यस करो, नहीं करता तो नो करो, तो मेरा पेशेंट नहीं करता है। फिर इसकी मेजरमेंट वेस्ट की, वेस्ट की मेजरमेंट है, अपन एक इंची टेप से उसकी वेस्ट की मेजरमेंट नाप लेंगे। तो वेस्ट की मेजरमेंट जितनी हो उतनी अपन इसमें कर देंगे। तो मेरे पेशेंट की है 80 सेंटीमीटर से कम है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। डू यू अंडरटेक एंड फिजिकल एक्टिव फॉर मिनिमम
वो 150 मिनट इन वीक, क्या फिजी एक हफ्ते में वो 150 मिनट फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, एटलीस्ट 150 कर रहा है या लेस देन 150 कर रहा है, तो मेरा पैशन लेस देन 150 कर रहा है। इसके बाद में डू यू हैव फैमिली हिस्ट्री, वन ऑफ योर पेरेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़। मैं सिंपली इसको बता दूंगा कि आपकी फैमिली मेंबर में किसी को हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज़ है, अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर दो। मेरे पेशेंट के नहीं है तो मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। नीचे देखो इसका रिस्क स्कोर आ गया है 2, तो स्कोर अबो 4 इंडिकेट दैट पर्सन मे बी एट रिस्क फॉर डीज एन सी डीज एंड नीड टू बी प्रायोरिटीज फॉर अटेंडिंग द वीकली एन सी डी डे। अगर स्कोर अगर 4 से ज़्यादा आ जाए, 4 या 4 से ज़्यादा आ जाए, तो उसको अपने को हर वीक जाके एन सी डी डे हर वीक उसको प्रायोरिटी देनी है, उसको फॉलोअप करना है। पार्ट बी में अर्ली डिटेक्शन है, तो इसमें एक लिस्ट दे रखी है अपने को, तो उनमें से अगर है प्रॉब्लम है तो यस करना है, प्रॉब्लम नहीं है तो नो करना है। तो मैं बता देता हूँ, जैसे रिकरेंट अल्सरेशन इन पाम एंड सो, अगर ऐसा कुछ है अल्सर है तो यस करो, नहीं है तो नो करो, ठीक है। ये बहुत सारी लिस्ट है तो आप इसको चेक कर लेना, मैं बताऊँगा तो पूरा वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, समझने वाली बात है नहीं कुछ, आप पढ़ोगे तो आपकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और अगर पेशेंट को वो चीज़ें हैं तो आप यस कर देना, अगर नहीं है तो आप नो 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 पर क्लिक कर सकते हो, या फिर एक साथ यहाँ पे जाके नो सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे मैं आपको बता दूँ, नन ऑफ द बिलो, तो ये एक साथ सारे नो सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद में पार्ट सी आता है, तो पार्ट सी में अपन देखेंगे कि टाइप ऑफ फ्यूल यूज फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए कौन सा, अगर फायरवुड है, लकड़ी यूज़ कर रहा है, क्रॉप रेजिड्यू है, काउ डंग केक है, कोल, केरोसिन, एलपीजी है, तो ये अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो अदर कर देंगे। मैक्सिमम घरों में अब एलपीजी गैस यूज की जाती है खाना बनाने के लिए। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर के बारे में देखेंगे, अगर है ये चीज़ एक्सपोजर है तो यस करो, नहीं है तो नो करो। तो देख लो मेरे पेशेंट के है नहीं है चीज़ें तो मैं नो कर रहा हूँ। इसके बाद में बात करते हैं अपन पार्ट डी, पार्ट डी में क्या होता है PHQ2, तो ओवर द लास्ट 2 वीक हाउ ऑफन हैव यू बीन बोदर्ड विद फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। टेक ए लिटिल इंटरेस्ट और प्लेजर इन डूइंग थिंग्स, वो इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है प्लेजर में डूइंग थिंग्स में, अगर ले रहा है तो सेवन डेज मोर देन हाफ डे नियरली एवरी डे, मैं नॉट एट ऑल इसमें कर देता हूँ। फीलिंग डाउन डिप्रेस, अगर होपलेस या डिप्रेशन है तो आप इनमें कि कुछ दिनों से अगर डिप्रेशन में है तो सेवरल डेज, बहुत टाइम से है तो मोर देन हाफ ऑफ डेज, या फिर ऐसे अपन कर सकते हैं, तो मैं नहीं करूँ, मेरे कोई डिप्रेशन नहीं है। एनी वन विद टोटल स्कोर इज ग्रेटर देन 3, अगर टोटल स्कोर 3 से ज़्यादा हो शुड बी रेफर टू CHO या मेडिकल ऑफिसर PSC UPSC। अगर 3 से ज़्यादा हो तो आप CHO को रेफर कर सकते हो, या फिर मेडिकल ऑफिसर PSC का है या UPSC का है उसको अपन रेफर कर सकते हैं। सिंपली भाई अपना CBAC फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, अभी यहाँ पर अपन इसको सबमिट कर देंगे। कंफर्म मांगेगा ये कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट अपडेट टू CBAC फॉर्म विल बी क्लोज फॉर दिस ईयर, मतलब इसको यस करेंगे, यस करते ही ये एक साल के लिए सेव हो जाएगा, अब इसको अपन एक साल बाद ही ओपन कर सकते हैं। जैसे ही अब अपना CBAC फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर CBAC फॉर्म कंप्लीट होने के बाद अब अपन करेंगे कि स्क्रीनिंग कैसे करनी है पेशेंट की। तो स्क्रीनिंग करने के लिए सिंपली अपने को 3 डॉट पे जाना है, 3 डॉट पे यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा स्क्रीनिंग, तो स्क्रीनिंग के लिए अपन इस पर क्लिक कर देंगे स्क्रीनिंग पे। अब सब हेल्थ सेंटर लेवल स्क्रीनिंग कैन बी कैप्चर एंड व्यूड हियर, PSC लेवल स्क्रीनिंग असेसमेंट टू बी कैप्चर अंडर इनिशियल असेसमेंट एंड रेस्पेक्टिव डिजीज सेक्शन, इसको अपन ओके कर लेंगे। ओके करते ही यहाँ पर सब हेल्थ सेंटर स्टाफ ऑन हुज बिहाफ डाटा इज बीइंग कैप्चर, ये बोलेगा कि यहाँ पर उसकी ID लगानी है जो डाटा इसमें भर रहा है या स्क्रीनिंग जो कर रहा है। जैसे मैं दिनेश कुमार, तो मेरी जो ID बनी हुई है ये, तो मैं मेरी ID से यहाँ पर स्क्रीनिंग कर दूँगा, ठीक है। मेरे सब सेंटर का नाम आ रहा है यहाँ पर, क्लिक ऑन सेक्शन टू व्यू एंटर स्क्रीनिंग, तो अपने को यहाँ पर स्क्रीनिंग करनी है। तो सबसे पहले अपन पर्सनल एग्जामिनेशन पर अपन क्लिक करते हैं, पर्सनल एग्जामिनेशन पर अपन जाएंगे, यहाँ पर डेट चूज करेंगे सबसे पहले, तो जैसे मैं आज ही कर रहा हूँ तो मैं आज की डेट चूज कर देता हूँ। इसमें अपने को हाइट मेजरमेंट करनी है, तो अपने पेशेंट की हाइट कितनी है वो अपने को मेजर करके रखनी है सेंटीमीटर में। जैसे मेरा मेरा जो पेशेंट है उसकी हाइट है
168 सेंटीमीटर, और उसका जो वेट है वो है 61 kg। BMI अपने आप ये कलेक्ट कर लेगा, जैसे मेरे वाले की BMI है 21.6, नॉर्मल BMI है, यहाँ पर अपन इसको सेव कर देंगे। पर्सनल एग्जामिनेशन जो है इसका वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अपन इसकी पर्सनल हिस्ट्री है उस पर जाएंगे। तो पर्सनल हिस्ट्री में अपन क्या करेंगे कि देखेंगे इसको हाइपरटेंशन है कि नहीं है। अगर हाइपरटेंशन है तो यस करो, नहीं है तो नो करो। अंडर ट्रीटमेंट है, कोई ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसको यस नो आप कर सकते हैं। मेरा जो पेशेंट है उसे हाइपरटेंशन नहीं है, फिर ऐसे ही डायबिटीज़ में करना है, अगर है तो यस करो, नहीं है तो नो करो। हार्ट डिजीज़ है कि नहीं है, स्ट्रोक है कि नहीं है, किडनी फेलियर है कि नहीं है, नॉन हीलिंग वुंड है कि नहीं है, COPD है कि नहीं है, अस्थमा की प्रॉब्लम है कि नहीं है, है तो यस करो, नहीं है तो नो करो। ओरल कैंसर के लक्षण है कि नहीं है, नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर के है कि नहीं है, तो नहीं है। सर्वाइकल कैंसर के है कि नहीं है, तो नहीं है। देखो मेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, ये फीमेल के अंदर मिलेंगे। मेल में ओरल कैंसर होता है तो ओरल कैंसर का ऑप्शन अपने को मिल जाएगा। इसके बाद मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है, तो मेल में तो मिलेगी नहीं ये चीज़, तो फीमेल में ये जरूर मिलेगी। तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है, इसमें ज़्यादा अपने को मेड एंट्री भी नहीं है पढ़ना, और पढ़ना चाहो तो आप सिंपली पढ़ लेना, और जो चीज़ आपको लगे पूछ लेना, यस कर देना, लेगी तो नो कर देना। इसके बाद अपन इसको सेव कर देंगे। सेव हो गया तो ये पर्सनल हिस्ट्री भी हो गई इसकी। इसके बाद अपन हाइपरटेंशन, इसके ब्लड प्रेशर है उसकी स्क्रीनिंग करेंगे हाइपरटेंशन की। तो हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग के लिए सबसे पहले डेट चूज़ कर लेंगे यहाँ पे। अब हमने इसका बीपी नापा, बीपी नापने के बाद इसका बीपी नॉर्मल आ रहा था 125/ जो डायस्ट, ये तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर था, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो इसका आ रहा था 85, और इसकी जो पल्स रेट है वो पल्स रेट आ रही थी 76। सिंपली अपने को इतना करना है। ये नीचे लिखा डायग्नोस्ड और हाइपरटेंशन लिया, तो ये नहीं है, डायग्नोसिस कर लिया, हाइपरटेंशन नहीं है, तो नो पे क्लिक अपन कर देंगे। अगर हाइपरटेंशन होता तो यहाँ पर रेफ़र आएगा, तो रेफ़र पे यस कलेक्ट करके अपन इसको रेफ़र कर सकते थे। तो रेफ़र पे यहाँ पे सेलेक्ट करेगा कि रेफ़र कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, तो ये रेफ़र कर सकते थे अगर होता तो। सिंपली तो इसको अपन सेव कर देंगे। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू सेव द पेज? वन सेव्ड, नो मोर एडिट कैन बी मेड। इसको एक बार सेव करने के बाद इसको अपन एडिट नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान से करना। और मैं इसको यस कर देता हूँ, और मेरा ये हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग कंप्लीट हो चुकी है। देन इसके बाद यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा नॉर्मल है, तो स्क्रीन बाय सब हेल्थ सेंटर। अब मैं डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग करूँगा। डायबिटीज़ के अंदर क्या होगा, वही इंटरफेस आएगी। सबसे पहले अपने को डेट सेलेक्ट करनी है, जैसे कि जिस दिन आप स्क्रीनिंग करो उस दिन की डेट सेलेक्ट कर लो। अब इसमें रैंडम शुगर पूछेगा, रैंडम है वो नॉर्मली मैंने मेरे पेशेंट की जो है वो 118 आई है, तो मैं नॉर्मली शुगर कर ली है। यानी इसे लिखा हुआ जाएगा डायग्नोस फॉर डायबिटीज़ अर्लियर, तो इसको डायग्नोसिस हो गया है डायबिटीज़ का, नॉर्मल रेंज है, तो ये नो आ गया, ठीक है। और इसी प्रकार अगर ये डायबिटीज़ फाउंड होती, इसको डायग्नोस होता, तो यहाँ से अपन यस करके इसको रेफर कर देते, और ये अपन PHC पे या फिर अपने जो CSC है उस पर अपन MO के पास इसको रेफ़र करना होता है। सेम वही प्रोसेस है, इसको अपन सेव कर लेंगे। एक बार सेव होने के बाद दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग हो गई, डायबिटीज मेलिटस की स्क्रीनिंग हो गई, इस पर लिखा हुआ भी आ रहा है नॉर्मल स्क्रीन बाय सब हेल्थ सेंटर। अब अपन करेंगे ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग। तो ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग करने के लिए अपने को वही इंटरफेस है अपना, सबसे पहले अपन डेट सेलेक्ट करेंगे जिस दिन की स्क्रीनिंग करनी है। एनी इशू इन माउथ, ये मेड एंट्री है पढ़ना, कि माउथ में कुछ इशू है, अगर है तो यस करो कि भाई माउथ के अंदर है, जैसे कि बदबू आ रही है, या फिर कोई छाला हो रहा है, घाव हो रहा है जो प्रॉपर भर नहीं रहा बहुत टाइम से, तो ये क्या इसके ओरल कैंसर के लक्षण है। घाव नहीं भर रहा लंबे टाइम से, मसूड़ों में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, ये सब इसके ओरल कैंसर के लक्षण होते हैं। अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो यस करना है, अगर नहीं मिलता तो नो पे क्लिक कर देंगे अपन। अगर नो पे क्लिक करेंगे तो क्या क्या पूछेगा, अगर यस पे क्लिक करते हैं, अगर कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं तो वाइट एंड रेड पैचेज इन ओरल कैविटी में है कि नहीं है, डिफ़िकल्टी इन टॉलरेटिंग स्पाइसी फूड खाने में उसको डिफ़िकल्टी हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग माउथ, माउथ
को ओपन करने में, मुंह को खोलने में, ओपन करने में उसको प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है, उसको भरते अपन, और वॉइस होर्सनेस आ रही है। तो ये अगर ऐसा होता है तो यस या नो में से कुछ अपने को क्लियर करना, या फिर अल्सर, ठीक है, अल्सर माउथ में कोई अल्सर है कि मोर देन 3 वीक से कोई अल्सर है जो ठीक नहीं हो रहा, कोई छाला है जो ठीक नहीं हो रहा, अगर ऐसा कुछ होता तो अपन यस करते, इसमें ऐसा सा कुछ है नहीं तो अपन नो कर देंगे। अपन विजुअल एग्जामिनेशन है, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर अपने कोई लक्षण देखने को मिलता है तो अपन इसमें अगर वाइट पेचेस है तो यस करेंगे, रेड पेचेस है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करना है, और नॉन हीलिंग अल्सर है तो यस, वरना नो करो, ग्रोथ ये सब अपन नो नो, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नो नो कर सकते हैं। कुछ रिमार्क देना है तो अपन रिमार्क भी दे सकते हैं। अब अगर ये डॉट जो दे रखी है, इसका मतलब ये है कि अगर जहाँ भी अल्सर है उस डॉट पे अपने को क्लिक करना होता है और पेशेंट को रेफ़र करना होता है, इस पर क्लिक करके रेफ़र कर सकते हैं, देन वरना सेव कर दो। हाइपरटेंशन की हो गई, ओरल कैंसर की भी हो गई, डायबिटीज़ की भी हो गई, अपने पास आता है ब्रेस्ट कैंसर। अपन ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करेंगे, सबसे पहले जिस दिन अपन स्क्रीनिंग कर रहे हैं वो डेट सेलेक्ट कर लो। अब एनी ब्रेस्ट रिलेटेड सिम्टम अगर है, ब्रेस्ट रिलेटेड कोई सिम्टम आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो यस करो, नहीं आ रहे तो नो करो। अगर सिम्टम कौन कौन से देखने को मिलेंगे अपने को, तो लंप और थिकनिंग ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में लंप मिलेंगे या थिकनिंग मिलेगी, ठीक है, चेंज इन शेप एंड पोजिशन ऑफ निप्पल, निप्पल की जो पोजिशन है वो चेंज हो जाएगी, जो उसका शेप है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, और चेंज इन साइज, साइज में भी चेंज आएगा, डिस्चार्ज फ्रॉम वन और बोथ निप्पल। अगर ब्रेस्ट कैंसर का खतरा है तो ये लक्षण देखने को मिलेंगे कि चेंजेज इन शेप एंड पोजिशन ऑफ निप्पल, चेंजेज इन साइज, डिस्चार्ज फ्रॉम वन और बोथ निप्पल, एनी रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल, स्वेलिंग इन लंप इन आर्मपिट, ठीक है, डिम्पलिंग, रेडनेस स्किन ओवर द ब्रेस्ट, एनी अल्सर, ठीक है, कॉन्स्टेंट पेन रहेगा ब्रेस्ट में, ये सब इरोजन ऑफ निप्पल्स, ये सब देखने को अपने को मिलते हैं। अगर ये सब नहीं है तो अपने को नो करना है, अगर है तो यस करके अपने को पेशेंट को आगे PSC पर रेफर करना होता है। तो मेरे वैसे के कुछ नहीं, तो उसके बाद अपने इसको रेफर करना है तो यस करो, नहीं तो नॉर्मल है तो नो, सेव कर देंगे इसको, ये हो गया अपना सेव। इसके बाद लास्ट जो है स्क्रीनिंग है वो है अपनी सर्वाइकल कैंसर की, सर्वाइकल कैंसर की जब स्क्रीनिंग करते हैं तो सबसे पहले अपन इस पर क्लिक कर लेंगे। ये लिखा हुआ रहा है कि द सब हेल्थ सेंटर स्टाफ हैज़ नॉट बीन ट्रेंड फॉर VIA एंड सर्वाइकल एग्जामिनेशन, रेफर दिस इंडिविजुअल टू हायर फैसिलिटी फॉर सर्वाइकल स्क्रीनिंग। कि है सब हेल्थ सेंटर के जो स्टाफ है उनको VIA की ट्रेनिंग नहीं मिली है और ट्रेंड नहीं है, तो इसलिए इसको सर्वाइकल एग्जामिनेशन के लिए अपने को इंडिविजुअल्स को PSC पे, CSC पे अपने को रेफ़र करना पड़ेगा MO के पास। तो ये अपन ओके कर देंगे इसको, वही डेट सेलेक्ट करेंगे कि अपन इसकी स्क्रीनिंग आज करें। तो अगर कोई सिम्टम है सर्वाइकल कैंसर के तो यस करो, नहीं है तो नो करेंगे। अगर सिम्टम है कुछ तो एक्सेसिव ब्लीडिंग, जैसे ड्यूरिंग पीरियड्स ब्लीडिंग, बिटवीन पीरियड्स ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स, एक्सेसिव फॉल्स स्मेलिंग, वजाइनल डिस्चार्ज, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है, अगर ये सब हो रहे हैं तो अपन यस करके इसको रेफ़र कर देंगे और ये आगे रेफ़र हो जाएगा। तो रेफ़र के लिए देखो, सबसे पहले अपन इसको अपन PSC पे या CSC पे कहाँ भी रेफ़र करना है, जैसे मेरे CSC लगती है तो मैं CSC पे रेफ़र करूँगा। तो रेफ़र करने के बाद अपन इसको सेव कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। तो ये स्क्रीनिंग देखो कंप्लीट हो गई है, पर्सनल एग्जामिनेशन, पर्सनल हिस्ट्री, इसके बाद में हाइपरटेंशन की मैं स्क्रीनिंग कर दी है मैंने, इसके बाद डायबिटीज़ मेलाइटिस की स्क्रीनिंग कर चुके हैं, ओरल कैंसर की भी कर चुके हैं, ब्रेस्ट कैंसर की भी कर चुके हैं और सर्वाइकल कैंसर की भी कर चुके हैं। तो ये अपनी स्क्रीनिंग यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद अपन सिंपली वापस बैक आ जाएंगे और अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रुक्मणी है, जो रुक्मणी उसका जो वाइटल साइन है वो ये रहे, ब्लड प्रेशर इतना है, इतने हार्ट रेट इतनी है इसकी, और ब्लड शुगर इतना है, ठीक है, BMI इसका इतना है, तो ये सब नॉर्मल चल रहा है। तो ये हाइपरटेंशन की अपन स्क्रीनिंग कर चुके हैं, डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग हो गई है, ये ओरल कैंसर की हो गई, ब्रेस्ट कैंसर की हो गई, सर्वाइकल कैंसर की भी स्क्रीनिंग करके अपन ने इसको रेफर कर दिया है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और इसे सब्सक्राइब करना, आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।